मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश। आज का यह आयोजन अपने आप में अविस्मरणीय अविस्मरणीय इसलिए है क्योंकि ये एक खास मौके पर है और एक खास शख्सियत के साथ है। दरअसल आज हनुमान जयंती है। ऐसी सनातन धर्म के अंदर मान्यता है कि त्रेता युग के अंतिम दौर में आज ही के दिन अर्थात चैत्र मास की पूर्णिमा को हनुमान जी का अवतरण हुआ था। कई लोग हनुमान जयंती के तौर पर से उल्लेख करते हैं, कई लोग जयंती शब्द पर आपत्ति करते हैं। इसलिए आपत्ति करते हैं क्योंकि सनातन धर्म की मान्यता के अनुसार इस दुनिया में 8 चिरंजीवी हैं, अर्थात जो इस धरती पर तो आए हैं पर इस धरती से विदा नहीं हुए हैं, और हनुमान जी महाराज उनमें से एक हैं। भगवान शंकर के अंशावतार समझे जाने वाले हनुमान जी को हम में से कौन नहीं जानता। करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र हनुमान जी हैं, करोड़ों लोगों की विश्वास का केंद्र हनुमान जी है। जीवन में जब जब संकट आता है तो हनुमान जी की स्तुति के माध्यम से संकट के निदान की अभिलाषा हम में से तमाम लोगों के जहन में रहती है। मान्यता है, विश्वास है, भरोसा है कि अगर जीवन में कोई संकट है, कोई दुविधा है, कहीं कोई विपत्ति है तो उसके निदान के लिए हनुमान जी का स्मरण मात्र पर्याप्त है। और ऐसे हनुमान जी को सिद्ध किया है पंडोकर सरकार जी ने। कई लोग उन्हें गुरुशरण जी महाराज के रूप में जानते हैं, लेकिन दतिया जिला अंतर्गत भांडेर तहसील में एक जगह है पंडोखर, जहां पर हनुमान जी की दिव्य मूर्ति है और उस दिव्य प्रतिमा के आराधक हैं गुरुशरण जी महाराज, जिन्हें देश दुनिया में लोग पंडोखर सरकार के रूप में जानते हैं। आज हम उन्हीं से रूबरू हो रहे हैं हनुमान जयंती के मौके पर, समझने की कोशिश करेंगे हनुमान जी के महत्व को, हनुमान जी की दृष्टि को, हनुमान जी के वर्तमान सांसारिक जीवन में प्रासंगिकता को। तो सीधे चलते हैं पंडोखर, जहां पर पंडोकर सरकार के साथ हमारी मुलाकात है। तो बहुत बहुत स्वागत है सरकार आपका हमारे इस आयोजन में। लाखों करोड़ों लोगों की आस्था आपके साथ जुड़ी हुई है, करोड़ों लोगों की दुनिया में आस्था हनुमान जी महाराज के संदर्भ में जुड़ी हुई है। हनुमान जयंती के पावन मौके पर आपका सानिध्य हमें मिल रहा है, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। शुरुआत इसी से करना चाहता हूं कि हमारे सनातन धर्म की मान्यताओं के अंतर्गत इतने देवी देवता है और इतने देवी देवताओं के अंदर का हर विषय के संदर्भ में एक देवता हमारे पास मौजूद है, पर इसके बावजूद भी उनमें से एक भगवान के सेवक के तौर पर अपने आप को प्रस्तुत करने वाले हनुमान जी का जिस प्रकार का महत्व है वो अपने आप में अचरज में डालता है। राम जी की बड़ी कृपा है, राम जी के प्रति लोगों की बड़ी आस्था समझ में आता है, पर जो राम जी की सेवा में सन्निध थे कई जगहों पर तो राम जी से भी ज्यादा महत्व उन्हें मिलता हुआ देख लेते हैं, थोड़ी उलझन होती है। थोड़ा आपके माध्यम से दृष्टि मिले कि क्या कुछ ऐसा हनुमान जी के जीवन चरित्र में है जिसके चलते स्वामी से भी कहीं ज्यादा महत्व सेवक को मिलता हुआ हमें महसूस हो जाता है। सबसे पहले तो मैं सार्थक संवाद के लिए और डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी के लिए और मैं यही कहूंगा कि आपने आज बहुत ही सुंदर शुभ अवसर पर हनुमान जयंती के पर्व पर आपने आज हमारे हनुमान जी महाराज का प्राकृत रूप का जो हनुमान जी महाराज जो संकट मोचन है उनका आज के दिन जन्म हुआ था, तो हम सब लोग उनका जन्म उत्सव मनाते हैं, हम सबका भी मनाया जाता है जी। तो हनुमान जी महाराज एक ऐसे प्रधान देवता है कली काल के, जो के राजा से हनुमान जी महाराज हैं और राम जी महाराज के द्वारा हनुमान जी महाराज का कली काल का राज दिया गया था और कलियुग के राजा के नाम से उनको पूजित किया गया, इसलिए राजा की पूजा तो होती ही है जी। इसलिए प्रधान इसमें कोई जन्म का विषय नहीं, राम ही तो शंकर सेवक है और शंकर ही तो राम सेवक जी। तो कुल मिलाकर राम जी शंकर सेवक है, शंकर जी राम सेवक है, इस प्रकार की आप बात कर रहे हैं। पर मैं जानना ये चाहता हूं कि राम जी की सेवा में तो तमाम लोग सन्नद्ध हुए थे, पर फिर भी विशेष कृपा अगर आई तो हनुमान जी के हिस्से में आई। सुग्रीव ने क्या कमी की थी, जामवंत जी ने क्या कमी करी थी, अंगद ने अपनी तरह से सेवा में कोई कसर बाकी नहीं रखी थी, पर फिर भी जो महत्व जो स्थान हनुमान जी को मिला वैसा स्थान किसी और को नहीं मिला। क्या कुछ ऐसा हनुमान जी के चरित्र में है जिसके चलते ये महत्व उन्हें मिला? मैं आप सबको यही बताना चाहता हूं और यही कहूंगा इस अवसर पर कि हनुमान जी का जब आज प्रधान दिन है तो हर व्यक्ति जैसे कि 18 पुराण है, 6 शास्त्र है, उपनिषद है, 4 वेद है, इसमें जिस देवता के प्रधान विषय के लिए देखा जाता है तो उसी जी। आज हनुमान जयंती है और हनुमान जी का जन्म उत्सव प्रकट का जन्मदिन है तो हम सब मिलजुल के हनुमान जी के विषय में जानना चाहते हैं। तो हनुमान जी श्री राम जी महाराज के सुग्रीव की तरफ से जी। एक सेना के नायक के सिपाही के रूप में थे जी। श्री राम जी के महाराज के लंका पे चढ़ाई करने के दौरान रामेश्वरम पर जी मतलब लंके की सीमा पर 18 पदम जूथा बंधन जी 18 पदम वहां पर सेना नायक थे
जी आपने बहुत ही अच्छी बात कही कि नल नील अंगद आदि को क्यों ये स्थान नहीं दिया गया। जी कारण ये क्या, हनुमान जी महाराज समर्पित भाव से और राम जी की कृपा और हमेशा उनके कार जीवन में उनके डिक्शनरी में कभी कोई असंभव नहीं रहा। जी सब उन्होंने हमेशा राम जी की कृपा से बड़ा सा बड़ा कार्य को स्वीकार करते हुए अपना काम आगे किया, तो सभी लोगों ने हनुमान जी को ही पूजित किया। राम जी के टाइम में ही जामंत जी ने हनुमान जी को ही प्रधानता दी। जी जब जब कोई कोई काम करने के लिए कोई सक्षम नहीं होता था, तैयार नहीं होता था, संदेह की स्थिति बनती थी, तो तब तब हनुमान जी महाराज को आगे लाया गया। तो कली काल में जो आज भी कहते हैं जो मंत्रिमंडल में निष्क्रिय होता है उसको हटा दिया जाता है, जो सक्रिय होता है उसको रख लिया जाता है, जो समय समय पर कार्य करते हैं उनको समय लगाए रहते हैं अपनी पार्टी में टीम में। इसी प्रकार से राम जी महाराज ने भगवान शंकर को कली काल का राजा बनाया, क्योंकि शंकर स्वयं केसरी नंदन, हनुमान जी स्वयं शंकर हैं और शंकर राम जी के आराध्य हैं, तो आराध्य की स्थापना पहले होना चाहिए। जी तो आराध्य की स्थापना पहले होनी चाहिए। हनुमान जी के जीवन के संदर्भ में तमाम कथाएं हैं सरकार, कोई कोई कथा विशेष प्रेरणा देती है। आपने स्वयं हनुमान जी को सिद्ध किया, ऐसा आपके प्रति आस्था रखने वाले लाखों लोग भरोसा करते हैं। हनुमान जी के जीवन चरित्र का ऐसा कौन सा हिस्सा है जो आपके जीवन को बड़ा प्रभावित करता है, जो कथा आपके मन को बड़ा हर्षित करती है, वो कौन सा प्रसंग है जिसके कारण से आपकी आस्था का केंद्र हनुमान जी हो जाते हैं, ये जानने में हमारी दिलचस्पी है। मैं आप सभी को यही कहना चाहता हूं, अपने दर्शकों से भी और सभी विद्वान महापुरुषों से, मैं विद्वान तो हूं नहीं जी। लेकिन विद्वानों ने मुझे चयन किया है, आपने मुझे चयन किया है, तो निश्चित ही है कि मैं इस विषय पर प्रकाश डालने का प्रयास करूंगा। जी देखिए, मैंने हनुमान जी को सिद्ध नहीं किया जी, हनुमान जी ने मुझे मुझे अपना लिया जी, अपना बना लिया, ये हमारा सौभाग्य है। हनुमान जी को कोई सिद्ध नहीं कर सकता जी, क्योंकि हनुमान जी राम जी के सिद्ध हैं जी और राम जी के दूत हैं, वो किसी के सेवक नहीं है, वो राम सेवक हैं। तो इसलिए हनुमान जी हमारे ऐसे आराध्य हैं जिनके अंदर स्वयं शंकर विराजमान है, स्वयं माता भगवती पार्वती मैया विराजमान है, जिनके अंदर स्वयं साक्षात हनुमान और के हृदय में श्री राम जी महाराज, माँ भगवती सीता और भैया लक्ष्मण जी विराजमान है। इससे बड़ा और क्या प्रभाव कर सकता है, जिसके दिल में ईश्वर विराजमान हो, जिसके दिल में जिसके हृदय में नारायण विराजमान हो, वो ब्रह्म विराजमान हो, जिसको साक्षात अखल ब्रह्मांड नायक राम जी कहते हैं, इससे बड़ा और कुछ नहीं होता। सबने सबने राम जी को माना, सब राम जी के नजदीक रहे, सब राम जी के प्रति आस्थावान रहे, परंतु हनुमान जी हमेशा उनको साकार अपने दिल में विराजमान करते थे, जिन्होंने एक सभा में सीना फाड़ के दिखाया। जी देखिए, मैं ये समझना चाहता हूं सरकार आपसे कि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी, रामचरितमानस में अलग अलग घटनाओं को लेकर अलग अलग कांड के तौर पे 8 कांड है जिसके माध्यम से बात की ही जाती है, पर सबसे ज्यादा महत्ता जो है वो सुंदर कांड की है। सुंदर कांड समर्पित किसको है, हनुमान जी को। ये बात मेरी समझ में नहीं आती है कि रामचरितमानस लिखी गई राम जी के चरित्र के ऊपर और उसमें सबसे ज्यादा महत्व मिला उनके सेवक को समर्पित कांड को लेकर, स्वामी से ज्यादा सेवक की महिमा के संदर्भ में कोई दृष्टि आपके पास में है या? क्या ऐसा कारण है जिसके कारण से रामचरितमानस पूज्य है, लोग बड़ी श्रद्धा के साथ रामचरितमानस को स्मरण करते हैं, पर उसमें भी जो महत्व सुंदर कांड का है वो ना बालकांड का है, ना उत्तरकांड का है, ना किष्किंधा कांड का है, सबसे ज्यादा अचूक जो माना जाता है वो सुंदर कांड माना जाता है। कहीं कोई विपदा हुई सुंदर कांड का पाठ करो, निदान हो जाएगा। थोड़ा इस पर आपकी तरफ से दृष्टि मिले, क्या है इसके पीछे? देखिए, सुंदर कांड में क्या, राम जी की कृपा से हनुमान जी महाराज ने जो अपना कार्य किया जी, जो लंका में जो कांड घटना घटी, क्या कांड बना जी, जो दशानंद रावण और राम जी के बीच में जो महायुद्ध चल रहा था जी, जिसमें राम जी महाराज दशानंद रावण लंकापति पर चढ़ाई करते हैं जी, और वहां पर जो कांड देखे गए जी, वो सभी विचित्र थे, इसलिए उसका नाम सुंदर कांड रखा गया। और जिसमें सभी कांडों से पास होकर के हनुमान जी महाराज सफल हुए, इसलिए सुंदर कांड हुआ जी। तो सभी कांड से पार होकर
एक बात और जो समझने की है वो ये है कि ऐसा माना जाता है कि ईश्वर एक उद्देश्य को लेकर इस धरा पे अवतरित होते हैं। सनातन धर्म की मान्यता यही रही कि जब जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ता है तब तब धर्म की स्थापना के लिए ईश्वर धरा पर अवतरित होते हैं, अपना कार्य पूरा करते हैं और निकल जाते हैं। विष्णु जी के दशावतार की बात करें या 24 अवतार की बात करें उसके संदर्भ में यही प्रसंग आते हैं। पर क्या कारण है कि हनुमान जी जिन्हें शंकर जी का अवतार माना जाता है धरती पर आए तो यहां से गए नहीं? कौन सा ऐसा दायित्व बोध है जिसके चलते हनुमान जी को अभी भी इस धरती पर बने रहने की आवश्यकता पड़ी? आपकी कोई दृष्टि है इसके संदर्भ में? मैं आपको बता दूं कि हनुमान जी कली काल के राजा है। कोई भी राज्य कोई भी समय बिगर राजा के पूरा नहीं होता है। हर युग में एक राजा की स्थापना होती है। कली काल में राजा की परंपरा खत्म होती गई है। अब विधानसभा लोकसभा और ये बन गए हैं, लेकिन कली काल का राजा कौन रहेगा, देवताओं के प्रतिनिधि कौन करेगा? तो सभी देवताओं ने इसके लिए निर्णय लिया कि जब तक नारायण का पुनर्जन्म ना हो, जब तक अप्रगट ना हो, जब तक कोई राज तो करेगा, क्योंकि बिगर राजा के कोई राज नहीं चलता। तो कली काल में श्री राम जी महाराज ने और सभी देवताओं के सहयोग से हनुमान जी महाराज को कलयुग का राजा बनाया गया। क्योंकि राम जी महाराज सरजू में जब जाने लगे तो सरजू घाट पर उनको तिलक कर दिया गया रेणुका के माध्यम से और कहा कि जब तक ये कली काल का जब तक परमात्मा ब्रह्म का ईश्वर का देवी का पूजन पाठ होता रहेगा, परंपरा ईश्वर की मान्यता बनी रहेगी, परमात्मा की मान्यता बनी रहेगी, तब तक आपका पृथ्वी पर वास होगा। क्योंकि ये चिरंजीवी हैं, हनुमान जी दीर्घायु वाले हैं, लेकिन जब आयु पूर्ण हो जाएगी कली काल का प्रभाव अधिक हो जाएगा तो हनुमान जी महाराज अपने धाम को चले जाएंगे और कली का अवतार हो जाएगा। क्योंकि तो दूसरा राजा आ जाएगा जो अन्याय को दंड देगा और पापाचार को नष्ट करेगा और उसके पश्चात पुनः सृष्टि का क्रम प्रारंभ होगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हनुमान जी महाराज ज्योतिष के गणना के अनुसार 58,112 वर्ष पहले त्रेता युग में अंतिम चरण में चैत्र पूर्णिमा मंगलवार के दिन समझ रहे ना, चित्रा नक्षत्र में मेष लग्न में इनका जन्म हुआ था। 6:30 या 6:32 माना जाता है। तो हनुमान जी महाराज की जो कुंडली है उस कुंडली में इस प्रकार का जिक्र आता है कि जिसकी कुंडली इस प्रकार की होती है, इस नक्षत्र में होती है और इस गणना के तहत आती है, उसको बलवान कहते हैं। तो बलवान श्री हनुमान जी महाराज थे, इनको इनको कहा गया कि अकलत्र बलधामम। इनके पास इतना बल है, इतना ज्ञान है, इतने विशेषज्ञ हैं, इतने वचनशील हैं कि वो सभी को अपने ऊपर समा लेते हैं और किसी से बौखलाते नहीं है, अपनी बात रखते हैं। जो रामद्रोही है, जो धर्म विरोधी है, जो संत विरोधी है, उसको दंडित करते हैं। और कली काल में हनुमान जी महाराज बहुत ही अच्छे तरीके से, क्योंकि कलयुग के प्रधान देवता जो हैं भगवान शंकर हैं, माता भगवती दुर्गा हैं और हनुमान जी महाराज हैं, ये कली काल के तीन स्तंभ हैं। मेरा एक सवाल है आपसे, आप लगातार इस बात पे बड़ा जोर दे रहे हैं महाराज जी कि ये जो समय है ना कलयुग, इसके प्रधान देवता, इसके राजा हनुमान जी हैं। राम जी बड़े प्रसन्न थे हनुमान जी की सेवा से। जब व्यक्ति किसी से प्रसन्न होता है और उसे कुछ देना चाहता है तो उसे कुछ अच्छा देता है। मैं आपसे समझना चाहता हूं ये क्या दिया राम जी ने हनुमान जी को? कलयुग, कलयुग शब्द में ही जहां पापाचार है, जहां पे अधर्म का बोलबाला है, जहां पे दुष्ट कार्यों की भरमार है, ऐसे समय का राजा हनुमान जी को बनाया? बनाना था तो कुछ अच्छे समय का बनाते, ये इतने खराब समय के संदर्भ में ये दायित्व आपको दे रहे हैं। आदमी किसी से प्रसन्न होता है, आनंदित होता है, उसकी सेवा से आनंदित होकर कुछ देना चाहता है तो कुछ बेहतर चीज देता है, ये क्या दिया? थोड़ा इसके संदर्भ में भी दृष्टि मिले। डॉक्टर साहब मैं आपको बताऊं कि आप बहुत ही विद्वान व्यक्ति हैं, क्योंकि आप यहाँ पर बहुत अच्छी सटीक और मुझे जो खकोलना चाहते, मैं आपको यही बता देता हूँ कि हनुमान जी महाराज तो वो मिला जो किसी को नहीं मिला, क्योंकि राम जी महाराज के अनन्य भक्त हनुमान जी महाराज है, उनको राम नाम मिल रहा है ना। कली काल में, कली काल से बचने के लिए, पापाचार से बचने के लिए, कली काल में जितना परमात्मा का गुणगान अब हो रहा है ना, उस दौरान नहीं था। कौन मेरे धाम चलना चाहता है? हनुमान जी महाराज बोले वहां बताइए क्या क्या मिलेगा, क्या वहां आपकी पूजा होती है?
आपके नाम की संकीर्तन होता है, बोले भाई गांव का जोगी जोगड़ा आन गांव का सिद्ध, वहां तो भाई दुनिया ही अलग है। तो बोले साहब आप जाए और मैं तो जहां तुम्हारा गुणगान होगा वहां मैं रहूंगा, ऐसा वरदान दें। तो उन्होंने कहा कली काल में जब जब संकट पड़ता है, जब पीड़ा होती है, तो हम सब लोग कहते हैं हे भगवान मुझे बचा ले, हे राम जी महाराज मुझे बचाए, हे शंकर भगवान मुझे बचाए, देवी देवताओं का स्मरण करते हैं। तो कली काल में जब तक परमात्मा का गुणगान रहेगा तब तक हनुमान जी महाराज रहेंगे, क्योंकि दीर्घायु चिरंजीवी। एक और सवाल आपसे करना चाहता हूं, हनुमान जी की स्तुति के संदर्भ में दो तीन प्रकार के उपक्रम हैं, दो तीन उपाय तमाम लोग सुझाते हैं। हनुमान जी को प्रसन्न करना है, हनुमान चालीसा का जाप करो। चालीसा मूलतः हनुमान जी के संदर्भ में ही बोध कराती है। दूसरी तरफ सुंदरकांड की बात कही जाती है। अब जब विकल्प होते तो समझ नहीं आता है कौन ज्यादा असर करेगा, कौन ज्यादा प्रभावी रहेगा। तो आप जैसा विद्वान हमारे साथ में हैं, आप ही बताएं, चयन करना हो तो चालीसा और सुंदरकांड में से किस पे जाएं? सुविधा का रास्ता चालीसा के संदर्भ में है, दो तीन मिनट में काम निपट जाता है। सुंदरकांड में समय बहुत लगता है, आधा घंटे के करीब लग जाता है। थोड़ा बताएंगे आप कहां पे जाना चाहिए? डॉक्टर साहब मैं आपको बता दूं, हनुमान चालीसा बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रचित है जी, और गोस्वामी तुलसीदास जी हमारे चित्रकूट धाम राजापुर में उनका जन्म हुआ जी, और हमारे कली काल के जी हमारे सब कवियों में श्रेष्ठ स्वयं साक्षात मैं वाल्मीकि स्वरूप मानता हूँ जी, और उन्होंने हनुमान चालीसा को अपने संकट काल के लिए लिखा, जब उन पर संकट था जी, जब उनके शत्रु पीछे पड़े हुए थे, जब उनकी प्रतियों को जलाया जा रहा था, फाड़ा जा रहा था, उनके कार्य में रुकावट डाली जा रही थी, तब हनुमान चालीसा लिखा गया और हनुमान जी के गुणगान का वर्णन किया गया उसमें, क्योंकि हनुमान तुलसीदास जी महाराज हनुमान जी के भक्त हैं जी, और राम हनुमान जी राम जी के भक्त हैं, तो राम जी के जितने कार्य किए उसमें उनके कार्य की महिमा मंडित किया गया। तो ये भक्त ने अपनी संकट निवारण करने के लिए, अपनी स्वयं की शांति के लिए हनुमान चालीसा लिखा जी। और बात सुंदर कांड रामचरितमानस में तुलसीदास बाबा ने लिखा, लेकिन उसके पहले जो वाल्मीकि सुंदर कांड है जी, तो वाल्मीकि सुंदर कांड का जो महत्व है वो अलग है, क्योंकि वो देवताओं की पद्धति है, देवताओं की भाषा है संस्कृत जी, और हमारी अवधि भाषा है सुंदरकांड जी, हनुमान चालीसा। तो सरल भाषा करने के लिए सुंदरकांड है, रामचरितमानस है, जो सहज हम सब लोग समझते हैं, हम लोग सहज अर्थ करते हैं, हमारे घर में बच्चा भी पढ़ता है तो कम पढ़े लिखे लोग भी इसको धारण कर लेते हैं, लेकिन हनुमान श्री वाल्मीकि रामायण के द्वारा जो सुंदरकांड है ये देवताओं की लिपि है, क्योंकि आदि कवि वाल्मीकि हुए, तो वो सुंदरकांड का महत्व अलग है जी, और ये सुंदरकांड का महत्व अलग है जी। लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि सुंदरकांड में एक घंटे दो घंटे जरूर लगते हैं, ज्ञान की चर्चा है, जीवन के परिवर्तन करने की चर्चा है, और उसमें यदि दिल से वो चर्चा को सुन लेते हैं तो ये मान के चले आयु वृद्ध, आयु को बढ़ाने वाली कथा है जी, आपको ज्ञान की वृद्धि करने की कथा है, दिमाग को प्रखर करने की कथा है, हृदय को मजबूत करने की कथा है। तो कथा सुनने से जीवन की जितनी भिथाएं हैं सब कट जाती हैं, ऐसे हनुमान जी महाराज हैं जिन्होंने सुंदर कांड बना दिया। हालांकि आपने मुझे दोनों की महत्ता तो बताई, पर मैं तो जानना ये चाहता था कि कौन से रास्ते पे मामला फिट होता है, कौन से रास्ते पे समाधान निकलता है। मनुष्य का चरित्र इतना खराब है, इतना अवसरवादी है, वो तो भगवान के मंदिर में अगर दीप भी जलाने जाता है ना तो चाहता है कि इसका भी फायदा तुरंत बाहर निकलते ही मिल जाए। मेरा आपसे जिज्ञासा जो है जानने की, सांसारिक मनुष्यों के संदर्भ में ये लोग उलझन में रहते हैं कि भाई मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ करने से अपना जो संकट है उसका निदान हो जाएगा, या हनुमान चालीसा पढ़े तो निदान हो जाएगा। तो आपसे जानना चाहता हूं कौन से रास्ते पे चलने का मशवरा है, आपका सलाह है? डॉक्टर साहब मैं इतना ही कहूंगा कि सुंदरकांड से सुंदरकांड का फल प्राप्त होता है, जिसमें जिंदगी में सुंदरता बढ़ती है और बढ़िया जीवन का स्वयं का सुंदर कांड बनता है, ऐसा कांड बनता है सभी कांडों से मुक्त होकर के सुंदर कांड हो जाता है। मेरा कहने का मतलब है हनुमान चालीसा निरंतर करना चाहिए, और यदि समय ज्यादा हो तो सुंदर कांड करना चाहिए, और ज्यादा समय हो तो हनुमान पताका करना चाहिए। पीड़ित व्यक्ति के लिए करना चाहिए हनुमान पताका जी, और पीड़ित लोगों के लिए करना चाहिए हनुमान बाहुक, शत्रुओं से निपटने के लिए, शत्रुओं से विजय पाने के लिए करना चाहिए आपको
हनुमान बाण जी यानी बजरंग बाण जी है ना, और बहुत सारे हमारे शास्त्र पुराणों में ऋषियों ने महर्षियों ने बहुत सारे उपाय निकाले, उनको समय अवसर पाकर उनको अनुष्ठान करने से संकट कटते हैं, लेकिन जैसा संकट होता है उस संकट का जो बड़ा रूप होता है वो छोटे में निकल जाता है और आपको लगता है कि भगवान की कृपा होगी। इसलिए हनुमान चालीसा का फल हनुमान चालीसा का मिलता है। आपके पास टाइम नहीं है तो हनुमान चालीसा करिए, ज्यादा टाइम है तो सुंदरकांड करिए, हनुमान भाव करिए, हनुमान पताका करिए, अन्य अन्य अनुष्ठान कर सकते हैं। वैसे तो मैं इतना कहूंगा जिसके पास टाइम नहीं है तो भगवान श्री राम जी महाराज का स्मरण करें, मन से करें, और परमात्मा का 11 बार भी 5 बार भी नाम ले लेते हैं, 1 बार भी नाम ले लेते हैं दिल से, उसी में आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा, ऐसा मुझे अपने इष्ट पर भरोसा है। बहुत सुंदर। मैं एक बात और आपसे समझना चाहता हूं, जितने भी देवी देवता हैं जो हमारे साथ देने एक एक दिन से काम चला लेते हैं, शंकर जी हैं सोमवार का दिन शंकर जी को समर्पित हो गया, गणेश जी हैं बुधवार के संदर्भ में काम हो गया, देवी के संदर्भ में बात है तो शुक्रवार के साथ में उल्लेख हो जाता है, ये हनुमान जी का कब्जा दो दो दिन पर है, मंगलवार के संदर्भ में तो समझ में आता है, मंगलवार को जैसा आपने स्वयं उल्लेख करके बताया 58,000 साल पहले मंगलवार के दिन ही वह अवतरित हुए थे, उनका जन्म हुआ था, लेकिन ये शनिवार के संदर्भ में भी कुल मिलाकर मामला हनुमान जी का है। हनुमान जी के मंदिर पर तेल का दिया जलाओ, समस्याओं से समाधान पाओ। ये शनिवार के संदर्भ में जो हनुमान जी का महत्व है, इसके संदर्भ में कुछ वजह कारण इसमें आपकी दृष्टि मिले? हनुमान जी महाराज मंगलवार को जन्मे हैं जी, और शनिवार को उन्होंने लीला की है। लीला क्या की है कि शनि से संवाद हुआ जी, तो जब शनि से संवाद हुआ कि राम जी महाराज पे साढ़े साथी के रूप में भैया के रूप में राम जी महाराज को 14 वर्ष का वनवास हो गया जी। एक दिन शनिवार शनि को लगा कि मैंने राम जी को परेशान कर लिया, मैं हनुमान जी को देखता हूं जिनको कलयुग का राजा बन। तो शनि पहुंचा हनुमान जी के पास जी, बोले शनि ने कहा कि मेरा नाम शनि है। बोले हाँ बताइए। बोले आपका समय प्रतिकूल आ गया है और हमको इसलिए सृष्टि बनाया गया है कि समय अवसर पाकर जी अपने समय में ग्रहों की अवधि के कारण ग्रहों की दिशाओं के कारण आपकी लगन चेंज होती है, हमारा समय आ गया कि हम आपके साथ में साढ़े साथी के रूप में रहना चाहते हैं जी, या भैया के रूप में रहना चाहते हैं, किसी भी मान लीजिए आख्यान है जी। तो उन्होंने कहा कि भाई देखिए हम बानर हैं, हमें अपना पूजा पाठ करने दो, मानव को देखिए, मानव के लिए बना जाता, हम सबके लिए जीव जंतुओं के लिए नहीं है, हम तो एक जंगल के एक वन के भालू बंदरों की हम शाखाओं में आते हैं, हमारी शाखा जो है वो एक बानर है। उन्होंने कहा नहीं, संसार में यदि कोई है जो सुनता है समझता है रूपांतरण कर लेता है, कोई अपना समय अवसर पाकर रूप को बदल लेता है रूपांतरण कर लेता, तो उसमें आप देवताओं की श्रेणी में आते हैं, मैंने आपके राम जी को भी 14 वर्ष वनवास में भेजा है। हनुमान जी ने कहा भाई ठीक है। नहीं जब अधिक अधिक बार यही बोला गया तो हनुमान जी महाराज ने कहा ठीक कोई बात नहीं, कहां बैठना चाहते हो? बोले मैं आपके मस्तक पर बैठना चाहता हूँ, सिर पर बैठना चाहता हूँ, क्योंकि हमारा है दिमाग को परिवर्तन करना, तभी तो आप गलत दिशा में जाएंगे, क्योंकि यदि हम आपके दिमाग को बुद्धि नहीं होगा तो कोई आदमी गलत मार्ग पर नहीं जाना चाहता, कोई जुआ सट्टा नहीं खेलना चाहता, कोई गलत काम नहीं करना चाहता। जब ग्रह चक्र चेंज होते हैं तो ग्रह उसी प्रकार के कार्य कराते हैं। हनुमान जी महाराज ने कहा भाई तू कब उतरेगा? बोले भाई ढाई साल बाद तो उतरेंगे या 1.5 साल बाद उतरेंगे, जो भी उदाहरण रहा है जी। मैं आपको कहना चाहता हूँ साढ़े साथी ढैया आदि चलते जो हमारे यहाँ ज्योतिष गणना में हमारे विद्वान लोग बताते हैं, जब उनको मस्तक पे बैठा लिया तो हनुमान जी ने कहा ये तो पूजा पाठ का बाधक बन गया, हम पूजा ध्यान करते हैं ये पूजा होने नहीं देते। हनुमान जी महाराज ने उड़ना चालू कर दिया, वो लटक गया शरीर। अब हनुमान जी महाराज वहां प्राण खाने लगा, बोले नहीं नहीं आप तो ये तो गलत काम कर रहे हैं। तो बोले भाई हमारा काम ही इस पेड़ से उस पेड़ पर छाल मारना, हमारा काम ही, आपने क्या मेरी कथा नहीं सुनी, हमारे बारे में प्रसंग नहीं सुना, राम जी के कार सेवा में मेरा कार रहा है समुद्र को नांगना, तो हमारा काम ही बंदर भालू का कि भाई उछाले बड़ी बड़ी मारना, तो आप मेरे ऊपर आएंगे तो मैं हमारा जो लक्षण है हम तो वही करेंगे ना जी, हमारी जो हमारी गति है वही करेंगे। हनुमान जी महाराज ने शनि को कष्ट दिया और एक पहाड़ में घुस गए, उन्हें पढ़ना चालू कर दिया, क्योंकि उन्हें वहां सुरता के सामने ठीक है अपना रूप दिखाया, बड़े छोटे हुए, उन्हें पहाड़ी में घुस गए, देश सर मारा तो शनि के खून खच्चर हो गया, शनि आगे हाथ पैर जोड़ने लगा, बोले साहब मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता हूं,
हमारा समय पूरा, हनुमान जी ने कहा अभी पूरा नहीं हुआ अपना, आपका पूरा जो समय है उतना समय रही है। उन्हें नहीं साहब पूरा हो गया, तो बोले आज इसके लिए आपको दंड क्या चाहते हो? तो उन्होंने कहा साहब हम तो जो चाहते कि हमारा नाम पूजित रहे। तो उन्होंने कहा कि जो तुमने मेरा अपवित्र कर दिया मस्तक को, जिसमें इस 24 घंटे हर पल परमात्मा का स्मरण रहता है, हम जी महाराज का स्मरण रहता है, तुमने अपवित्र कर दिया तो क्या होगा? तो बोले जो व्यक्ति शनिवार को पैर से सिर की ओर चोला चढ़ाएगा उसका कल्याण हो जाएगा, मैं उसको ना साढ़े साथी के रूप में ना ढैया के रूप में, और जो तुमको मानता होगा मैं उसको परेशान नहीं करूंगा, यह शनि का महत्व है। इसलिए शनिवार को अधरात्रि का चोला चढ़वाना चाहिए जी। और रात्रि के 12:30 बजे से ब्रह्म मुहूर्त तक चढ़ना चाहिए जी। ये महत्व है, इसलिए शनि हनुमान जी का रूप ही रूपांतरण है। तो कुल मिलाकर जो कथाओं में वर्णित है उसकी एक व्याख्या जो है पंडोगर सरकार ने हमारे बीच में की है। अब मैं बातचीत को अंतिम चरण में ले जाना चाहता हूँ, थोड़ा पंडोगर सरकार के महत्व के संदर्भ में बात करना चाहता हूँ। जिस प्रकार से लाखों लोगों की आस्था इस केंद्र के संदर्भ में, इस क्षेत्र की बेहतर के संदर्भ में आपकी तरफ से कोई दृष्टि मिले कि क्या कुछ इस क्षेत्र में ऐसा विशेष है जिसके चलते देश भर से लाखों लोग पंडोगर सरकार के दर्शनार्थ आते हैं और उसके माध्यम से ये उम्मीद करते हैं कि उनके जीवन में जो संकट आया है वो समाधान की शक्ल में निकल जाएगा या के दर्शन मात्र हुए। देखिए मैं आपके माध्यम से यही कहूंगा डॉक्टर साहब, आपके सभी दर्शकों को मैं यही बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश बड़ा ही एक पवित्र तीर्थ स्थल है जी। पूरा मध्य प्रदेश और ये भारत भूमि में, मध्य प्रदेश की भाषा में मैं बता रहा हूँ, मध्य प्रदेश में जहाँ से वर्तमान में हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी है और इस समय दतिया के गृह मंत्री हमारे डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी हैं। मैं वही दतिया जिले में, ये ग्राम पंडोखर पड़ता है, तहसील भांडर के अंतर्गत आता है जी। ये पूरा ही जिला दतिया से लेकर के जिला भिंड तक बड़े पवित्र स्थल हैं, जो निरंतर आपके माध्यम से समय समय पर प्रकाश के रूप में आते हैं। कभी रावतपुरा सरकार आते हैं जी। तो कभी कांक्षी सरकार आते हैं, कभी डॉक्टर हनुमान जी आते हैं, कभी पंडोखर सरकार आते हैं, कभी और भी सरकार और अनेक संत आते हैं, चाहे तो अमरकंटक से हो, चाहे और अपने मध्य प्रदेश के किसी भी स्थान के उज्जैन से हो जी। या कोई भी स्थल से हो। तो मध्य प्रदेश में दतिया पीताम्बरा पीठ है जी। सभी को जगत में पूरे व्याप्त है, सबको जानकारी है इस समय दतिया पूरे दुनिया में, ऐसा कौन सा राज देता है, ऐसा कौन सा पदाधिकारी है कि दतिया ना आया हो या दतिया ना जाता हो या दतिया ना आने की इच्छा कर रहा हो जी। सब दतिया आना चाहते हैं क्योंकि माँ भगवती धूमा माई बैठी हुई है। यही बगल में हमारी रतनगढ़ वाली माता है, यही पास में सेवड़ा धाम सेवड़ा पड़ता है जहाँ पे सनक सनंदन सनत कुमार ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों की तपस्या स्थली है। डॉक्टर हनुमान दंद्रुवा सरकार है, श्री रावतपुरा सरकार भी है और पंडोखर सरकार को आप देख ही रहे हैं और उनके पीठाधीश को आप बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब। ये पंडोखर सरकार पांडवों की तपोभूमि है जी। पांडवों ने यहाँ अज्ञातवास में 5 दिन का समय बिताया था। यह पुष्पावती पहुंच तट पर यह बसा ग्राम पंडोखर है, जहां पर राजा मरुत भगवान श्री राम जी के पूर्वजों ने तपस्या की थी। संतान प्राप्ति के लिए एक महायज्ञ किया गया था जो 20 योजन के विस्तार में बताया गया है जी। वही सूरवाला शिववाला पंडोखर धाम में विराजमान है, जो प्राचीन मंदिर है, और वही प्राचीन मंदिर के पास नजदीक पांडवों ने अपना 5 दिन का ठिकाना ढूंढा था और शिव की स्थापना का पूजन कर हनुमान जी की स्थापना की, ऐसी जनश्रुति है जी। तो ये जो प्रतिमा है यहाँ पर, क्या ये उसी दौर की है महाराज जी? ये प्रतिमा बताई जाती है चूने की, बताई जाती है चूने की है, और ये पांडवों के द्वारा स्थापना की गई थी, वही प्रतिमा है जी। बाकी के अन्य मंदिरों का निर्माण चल रहा है जिसमें मूर्तियां प्राण प्रतिष्ठित की जा रही है, मंदिरों के जीर्णोद्धार किए जा रहे हैं। पंडोगढ़ धाम तीर्थ की स्थापना भक्तों के द्वारा की गई है और पंडोगढ़ धाम को तीर्थ के रूप में लोग देखते हैं। एक आखिरी सवाल आपसे जो करना चाहता हूँ पंडोगढ़ धाम के संदर्भ में, कि कौन से ऐसे आयोजन पंडोगढ़ धाम के संदर्भ में रहते हैं जहां पर विशेष तौर पर श्रद्धालु अपनी आस्था व्यक्त करने के लिए यहाँ आने के लिए तत्पर होते हैं? डॉक्टर साहब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पंडोगढ़ धाम दैविक समस्या का समाधान का केंद्र है जी। और यहाँ पर मार्गदर्शन कर संबंधित विषय के लिए प्रेरणा दे दी जाती है। कोई बीमार है और उसको बीमारी है तो डॉक्टर के लिए प्रेरणा दी जाती है, यदि लगता है कि डॉक्टर से लाभ नहीं मिल रहा है तो वैद्य के लिए प्रेरणा दी जाती है, और जब पता लगता है कि दोनों से नहीं मिल रहा है तो हम ज्योतिष के लिए प्रेरणा देते हैं। ज्योतिष से भी लाभ नहीं मिल रहा है तो जल भभूति के लिए प्रेरणा देते हैं कि परमात्मा का हवन पूजन यज्ञ अनुष्ठान करिए,
उसका धूप ग्रहण कीजिए, वहां की जो हब है, जो धुआं है, उसको अपने शरीर में लगने का सौभाग्य दीजिए, तो निश्चित शरीर का शरीर के अंदर के जो विकार है वो खत्म हो जाएंगे। तो हमारे यहाँ अभी देखा होगा जो कोरोना चल रहा था, निमोनिया चल रहा था, पूरे देश में पूरी दुनिया में हाहाकार मची थी। तो पंडोकर धाम ही एक ऐसा धाम है, आप देख रहे थे कि निरंतर जूम ऐप के माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से मार्गदर्शन किया जा रहा था, और एक वर्ष से निरंतर पंडोकर धाम में श्री राम महायज्ञ चल रहा है, अपामार्जन का अनुष्ठान चल रहा है। जो डॉक्टर ठीक नहीं कर सकते वो यज्ञ से ठीक होते हैं, हमारे अथर्ववेद, अथर्ववेद के माध्यम से और अथर्ववेद की पद्धति के द्वारा पंडोकर धाम में श्री राम महायज्ञ किया गया और उसमें अनुष्ठान किए गए, तो उसमें बड़े लोग, कई लोग, हजारों सैकड़ों लोगों को लाभ मिला। हमने एक मंत्र भी दिया था उस दौरान, ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु, तीन बार बोला गया जी। ओम विष्णु ओम विष्णु ओम कार्य पार सहित मंत्री कच्चे पक्के फल खाए, हनुमान की आकाश से पूरे विश्व की ताप्ती चली जाए, परमं तीसरी वाचा सतनाम आदेश गुरु का, ये मंत्र में लोक कल्याण जनित में पूरे दुनिया के लिए दिया था, इससे लाखों करोड़ों लोगों को लाभ मिला। इसका हमारे पास प्रूफ प्रमाण भक्तगण है, और शेष कोई, मैं डॉक्टर तो हूं नहीं सर्टिफिकेट वाला, हम तो वैसे भी हम कुछ भी करते तो अंधविश्वास में आएंगे, क्योंकि पूजा पाठ भी अंधविश्वास में आती है। आप ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो हनुमान जी के विषय में पूछ रहे हैं और आपके चैनल के माध्यम से पूछा जा रहा है। हम तो कहेंगे कि बड़े दर्शक बड़े भाग्यशाली हैं कि आपके चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हैं, आपके चैनल को देखते हैं, और कथा ईश्वर के विषय में, देवी देवताओं के विषय में आपके द्वारा पूछा जा रहा है, हम बता रहे हैं। तो इसमें हम तो यही कहेंगे कि जो बड़े भाग्यशाली है कि सार्थक संवाद को देख रहे हैं जी। और साथ ही हमारे हिमांशु भैया जी के माध्यम से जो प्रश्न किए गए हैं आध्यात्मिक जी, ये कलिकाल में कोई पूछता है तो हम तो कहते हैं कोई भगवान का भक्त पूछ रहा है जी। तो ये हमारी पूरी बातचीत थी पंडोकर सरकार से, गुरुशरण जी महाराज से, जो पीठाधीश्वर है वस्तुतः पंडोकर सरकार के मंदिर के, और उन्होंने हनुमान जयंती के पावन प्रसंग में, पावन अवसर पर हनुमान जी से जुड़ी हुई जो तमाम जिज्ञासाएं हैं उनका समाधान का प्रयास किया। हम बहुत तहे दिल से आपके आभारी हैं सरकार के, आपने अपनी व्यस्तता के बीच में हमारे दर्शकों के लिए समय निकाला और इस पावन दिवस को और ज्यादा सार्थक करने के लिए अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। तो आज की इस बातचीत में इतना ही दोस्तों, जल्द फिर मुलाकात होगी किसी नई शख्स से किसी नए मौके पर, लेकिन आज के लिए इतना ही। तो आप मुझे दीजिए तड़पड़ा।